आज आपका हमारे YouTube चैनल सामने पर चैनल लग रहा हूँ। आज आपको हम मॉडल किचन दिखाएंगे, तो सारी बातें आपको हम जानकारी डिटेल में एकदम बताने वाले हैं, कितना क्या लगा हुआ है, कैसे हम लोगों ने इसमें इस्तेमाल किया हुआ है। तो सबसे पहले साइज के बारे में बात करते हैं। इस कोने से लेकर इस सामने वाला कोना दिख रहा है, ये हमारा गैस का ऑप्शन रहेगा। तो इसकी जो साइज है वो 8 फिट की साइज है और दूसरी तरफ हमारा 7 फिट का एरिया है। तो सिंगल एरिया वो 7 फिट का कोने से लेकर कॉर्नर तक 7 फिट का है। तो ये जो किचन हो जाता है हमारा 8x7 फिट का किचन हो जाता है पूरा। अब इसमें नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि आटे का डिब्बा होता है या फिर चावल का जो केन होता है वो सब रखने के लिए, तो बड़ा ऑप्शन दिया हुआ है। और सॉफ्ट क्लोज लगे हुए हैं जैसे हमारे, अगला आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 3 बास्केट दी हुई है। बास्केट सारी हमारी टैंडम पर चल रही हैं, ये देखिए तीनों बास्केट हैं, तीनों हमारी टैंडम पर चल रही हैं। ऊपर वाली कटलरी वाली हो जाएगी, नीचे कपन सॉसर के लिए बनाई हुई है, नीचे मल्टीपर्पज के लिए हम लोगों ने इसको बनाया हुआ है। साथ ही साथ में इसके बाद में हमारा सिलेंडर का ऑप्शन आ जाता है और यहाँ पर दरवाज़ा बंद करके पूरा 270 डिग्री पे हमारा दरवाज़ा यहाँ पर खुल जाता है और लगभग सीधा करेंगे थोड़ा सा और स्पेस आपको मिल जाएगा। यहाँ पर गैस आ जाएगी, गैस रखने के बाद में यहाँ पर हमारा जो स्पेस बचता है कॉर्नर का, उसमें हमने एक सेल्फ डाल दी है। सेल्फ हमारी हटाने वाली है, कभी भी आप इसको हटा सकते हैं, जैसे कि बटन पे है तो ऊपर भी सामान रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। बड़ा सामान रखना होगा तो ये हट जाएगी सेल्फ और आप बड़ा सामान रख सकते हैं। सिलेंडर आपको यहाँ पे रखने के बाद आप पीछे खिसका सकते हैं आराम से। साथ ही साथ में दरवाजे को जैसे बंद करते हैं तो यहाँ पर हमारा थाली का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर भी टैंडम हमने यूज़ करी हुई है सॉफ्ट क्लोज के साथ में, और ऊपर मल्टीपर्पज़ का टैंडम लगा हुआ है, इसमें आप अपना कोई भी सामान वगैरह रख सकते हैं। और नीचे साइड में थाली का ही ऑप्शन दिया हुआ है। और साथ ही साथ में हमारा इसके बाद में हमारा लास्ट ऑप्शन आता है सिंक का एरिया। ये देखिए यहाँ पर अगर डस्टबिन वगैरह रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं आराम से। इसके बाद में इसके ऊपर जो है हम लोगों ने आर ओ के लिए बनाया हुआ है ऑप्शन। ये देखिए यहाँ पे गीजर और आर ओ लग जाएगा आपका, और इसमें भी पूरा। इसके बाद में यहाँ पे 2 पल्ले दिए हुए हैं बीच में आपकी सेल्फ आ जाएगी, सेम ऐसे ही कॉर्नर का पल्ला आ जाता है। ये देखिए दोस्तों कॉर्नर का पल्ला भी ऐसे खुल जाएगा पूरा, तो यहाँ पे आपका बड़ा स्पेस मिल जाएगा। के बाद में दरवाजे ये बंद करते हैं तो सेम यहाँ पर एक सिंगल पल्ला यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर हमारी चिमनी आ जाएगी, चिमनी के लिए हमें 2.5 फिट की जगह छोड़ी हुई है। नॉर्मली चिमनी जो होती है वो 24 इंच की रहती है, लेकिन जो हमारा चूल्हा रहता है वो जो बड़े चूल्हे आते हैं आजकल 3 खाने और 4 खाने का, तो उनका साइज बड़ा होता है, उस वजह से यहाँ पर रखा हुआ है इसको थोड़ा दूर करा है, जिससे कि जो उसकी भाप होती है या फिर जो उसके तेल की जो होती है उससे नीचे का जो प्लेटफॉर्म होता है वो गंदा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। इसलिए इन लोगों ने यहाँ पर 30 इंच की जगह छोड़ी हुई है। साथ ही साथ में यहाँ पर फिर जोड़ी पल्ला आ जाता है, यहाँ पर एक ग्रेनाइट का स्लैब है, इस वजह से इसको 1 इंच छोड़ता रखा है हम लोगों ने बाकी बॉक्सेस के हिसाब से। तो इसका जो साइज है बॉक्स का, ये 2 फिट के यहाँ से हम लोगों ने लिया हुआ है, नीचे से प्लेटफॉर्म से इतनी जगह छुटती है, 2 फिट का ये बॉक्स आ जाता है, ऊपर साइड में 3 फिट का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पर चिमनी के लिए स्पेस छोड़ा है ये आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ में यहाँ पर एक सिंगल पल्ला आ जाएगा, फिर आपका कॉर्नर पल्ला आ जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पर जोड़ी वाला पल्ला, ये देखिए। अब इसमें मटेरियल की बात कर लेते हैं, इसमें मटेरियल कौन सा लगाया हुआ है। तो इसके बॉक्सेस जो हम लोगों ने बनाए हुए हैं वो 18mm HDHMR का बॉक्स बना हुआ है, बैक में 12mm की HDHMR लगी हुई है, बोथ साइड लेमिनेट, और सामने जो आप दरवाजे देख रहे हैं 19mm बोर्ड पर बनाया हुआ है। इसको हम 18mm प्लाई पे भी बना सकते हैं, 19mm बोर्ड पर भी बना सकते हैं जो दरवाजे हैं हमारे, तो ये हमारे 19mm बोर्ड के बने हुए हैं सभी। और इसके अलावा लेमिनेट्स की बात कर लेते हैं, जो सामने आप लेमिनेट्स देख रहे हैं ये 0.8mm की लेमिनेट्स लगी हुई है, सामने में हाई ग्लॉस सनमाइका लगाई है इसमें पूरी 2 कलर कॉम्बिनेशन में। कलर कॉम्बिनेशन हम लोगों ने कैसे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, जो ऊपर से नीचे तक जो दरवाज़ा है पूरा हमारा वो एक कलर में आ रहा है सेम पैटर्न में, फिर उसके बाद दूसरा कलर जो है वो चेंज है, ये देखिए तो ब्राउन, फिर उसके बाद में जो हमारा ग्रे कलर है उसके बाद में फिर ब्राउन आ जाता है, फिर ग्रे कलर में आ जाता है, तो इस कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने इसको लगाया हुआ है। उससे अगर इस तरह का कोई काम अगर आपको करवाना हो, किचन वगैरह बनवाना हो या वार्डरोब वगैरह बनाना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पर, डिस्क्रिप्शन में हमारा मैप लोकेशन शॉप का, और साथ में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस है दोस्तों वो लगभग 280 रुपये पर स्क्वायर फीट लेबर है, और अगर एक मटेरियल की बात करें तो 1250 रुपये पर स्क्वायर फीट हम लोगों ने इसका एक मटेरियल चार्ज किया हुआ है। इसका जो स्क्वायर फीट में एरिया आया हुआ है लगभग 110 स्क्वायर फीट का एरिया इसमें कवर किया गया है। दोस्तों
वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अधिक जानकारी के लिए कमेंट करके आप हमसे पूछ भी सकते हैं। बाकी हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप उस पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमें। बाकी ये जो लोकेशन है ये राजाजीपुरम का लोकेशन है, राजाजीपुरम लखनऊ में, यहाँ पर हम लोगों ने किचन बनाया हुआ है। ओके, थैंक यू दोस्तों।